शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ समेत तमाम 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। केस चलेगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दानियाल राठौर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मोहम्मद सकलैन जावेद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहम्मद सकलैन जावेद, बताइएगा समाअत की मज़ीद तफसीलात। जज नजमुल हसन के रूबरू आशियाना इकबाल स्कैंडल और रमजान शुगर के केस पर समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने फरीकैन वकला के दलाइल सुनने पर इन 10 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद किए हैं, जिनमें शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद जीमा, इम्तियाज हैदर, बिलाल कदवई, शाहिद शफीक, मुनीर जिया और दीगर मुलजमान शामिल हैं। इन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। फर्द जुर्म आयद होने के बल अपने कहा उनके खिलाफ ये झूठा बुनियाद मुकदमा कायम किया गया है। नैब की तरफ से उनके पास तारीख का सबसे झूठा मुकदमा कायम किया है। जो आपने लॉर्ड लतीफ एंड को तहफ़ देने के लिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की, मेरे खिलाफ करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, मेरे खिलाफ सिर्फ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का केस है। हालांकि लतीफ एंड सन्स ने जो ठेका लेने से कबल बैंक गारंटी दी थी वो जाली है, और जिसको एंटी करप्शन भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद मेरे उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर मेरे खिलाफ ये केस बनाया गया है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मेरे इख्तियार में था कि जिस फर्म या जिस कंपनी ने जाली बैंक गारंटी पेश किया उसके खिलाफ कार्रवाई करता, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने स्टेट का फायदा किया, लेकिन इन्होंने मुझे ही मुलजिम। शहबाज शरीफ समेत तमाम 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है।